बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। जहाँ पर मेहनत और लगन होती है वहाँ पर सफलता अपने आप ही आ जाती है और ये बात एक बार फिर से सही साबित हुई है। जी हाँ, हम दरअसल यहाँ पर बात कर रही हैं दीपक ठाकुर के बारे में। दीपक ठाकुर बिग बॉस सीजन 12 के कंटेस्टेंट जो टॉप 3 कंटेस्टेंट्स में से एक थे और लास्ट में उन्होंने पैसों का ब्रीफकेस उठाया और शो से बाहर आ गए और शो से बाहर निकलने के बाद उन्हें ढेरों ऑफर्स आए और कई फिल्मों में गाने के ऑफर्स भी मिले हैं। और अब इसके बाद दीपक ठाकुर के साथ एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है। जी हाँ, दीपक ठाकुर को बहुत ही जल्द एक सम्मान मिलने वाला है और वो सम्मान है दादा साहेब फालके अवार्ड फॉर बेस्ट एंटरटेनर। जी हाँ दोस्तों, दीपक ठाकुर को दादा साहेब फालके अवार्ड 2019 फॉर बेस्ट एंटरटेनर बहुत जल्द ही मिलने वाला है और यह अवार्ड उन्हें मिलने वाला है बिग बॉस सीजन 12 के दौरान उनके एंटरटेनमेंट फैक्टर की वजह से। इस दौरान उन्होंने अपने गानों से, अपने मस्ती भरे अंदाज से, अपने चुटकुलों से और हर एक चीज से उन्होंने सभी दर्शकों को एंटरटेन किया और उसी एंटरटेनमेंट फैक्टर की वजह से उन्हें मिलने जा रहा है दादा साहेब पुरस्कार। बिग बॉस के घर में कई दफा दीपक ठाकुर एक लाइन बोलते हुए नजर आए थे और वो ये थी कि जब हम पहली बार प्लेन में चढ़े तब हमारे जूते फटे थे लेकिन हमारे सपने हमेशा ही हमारी औकात से बड़े थे। और अब धीरे धीरे करके दीपक ठाकुर के वो सारे सपने सच होने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितनी खुशी है दीपक ठाकुर को ये अवार्ड मिलने से।